हे कृष्णा, आज के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम भगवद गीता का हमारा सेशन कंटिन्यू रखते हैं। भगवद गीता दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का 58 नंबर। यदा संहरतेजायं कुर्मोङ्गानेव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये जो 58 आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही होगी। हाँ प्रभु जी, आ रही है, अच्छा आ रहा है। ओके, तो ये जो श्लोक है और इसके बाद आने वाले कुछ श्लोक है, ये सब इंद्रिय नियंत्रण से रिलेटेड है, सेंस कंट्रोल के ऊपर। तो यहाँ पे एक उदाहरण लिया है कछुए का। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे याद भी कर सकते हैं। ये कछुए के उदाहरण से भगवान सेंस कंट्रोल सिखा रहे हैं। कछुआ क्या करता है, जब कछुआ चलता है तो उसके बहुत सारे लोग उसके आसपास आ जाते हैं, उसको छेड़ने लगते हैं, तो तुरंत अपने अंग को संकुचित कर लेता है और उसके ऊपर में एक शेल रहती है जो बहुत हार्ड रहती है, उसके द्वारा वो कवर रहता है, सुरक्षित रहता है। तो कभी भी विपत्ति में रहता है तो वो अपने आप को संकुचित करते एक शेल के अंदर हो जाता है। और जब कछुए को लगता है कि अब लोग चले गए हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, फिर धीरे से अपने अंगों को बाहर निकाल के फिर चलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह क्या करना चाहिए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। मान लो आप जा रहे हैं रास्ते में और आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं, पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, बहुत कुछ मिल रहा है और आपको भूख भी लगी है। इस स्थिति में क्या करें, दुकान में जाएं, चलो खाना शुरू कर देते हैं? तो खाना नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करें, इंद्रिय विषयों को नियंत्रण करना चाहिए। और जब महाप्रसाद की प्लेट सामने में रहे तो फिर इंद्रिय विषयों को संतुष्ट करना चाहिए। तो जब लग रहा है कि नहीं, ये सब बाहर का क्या खाना है, तो विषयों को, सेंस को नियंत्रण करो, जिह्वा को कंट्रोल करो। लेकिन जब भगवान का प्रसाद सामने में होगा तो हम उसका आस्वादन करेंगे। तो जो जिस तरह व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता है, वह पूर्ण चेतना में रहता है, वही स्थित प्रज्ञ जिसके बारे में चर्चा चल रहा था, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ। तो किसी योगी भक्त आत्मसिद्ध व्यक्ति, वो क्या है, अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सकता है। तब उसकी इच्छा है, इंद्रियों को वश में कर दिया, इंद्रियां उसको वश में नहीं करते, मन और इंद्रियां उसको नहीं चलाते। जिस तरह रथ का उदाहरण देते ना, तो रथ घोड़े घोड़े रथ को नहीं चलाते हैं। अगर घोड़े रथ को चला रहे हैं, घोड़े या लगाम, तो वो अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित रथ। लेकिन वास्तव में जो सारथी है वो रथ को चलाता है। तो वास्तव में बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने इंद्रियों के दास रहते हैं, लेकिन जो भक्त रहते हैं वो इंद्रियों के स्वामी रहते हैं। इंद्रियां किसके समान है, यहाँ पे एक तुलना करिए, इंद्रियां की तुलना विषैले सर्प से की गई। तो विषैले सर्प के समान इंद्रियां उसके अंदर, इसलिए उनको बोलते हैं इंद्रिय, और जो विषय, इंद्रिय विषय से उसका तंत्र वो आता है। और लेकिन जिस तरह सांप सांप के दांत तोड़ देते हैं, तो फिर उससे कोई डरने की बात नहीं। इसीलिए जो सपेरा है वो सांपों को वश में कर लेता है, जिस तरह भक्त ही उसी तरह इंद्रियों को वश में कर देते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य धीमहि, निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।
रस वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देह। इससे पहले वाले श्लोक में बताया था ना कि वो जब इंद्रिय विषय की वस्तु आती है तो अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। तो कभी कभी हम अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय विषय से क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। नहीं, मैं नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं खाऊंगा। इस तरह इंद्रिय विषयों इंद्रिय इंद्रियों को क्या करते हैं, बाहरी रूप से रोकने का प्रयास करते हैं। नहीं देखना है, सुनना नहीं, नहीं बोलना है, नहीं देखना है। तो बाहरी रूप से इंद्रियों भोग की वस्तुओं से क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे, लेकिन मन में तो इच्छा रहती है। तो यहाँ पे बताया है कि बाहरी रूप से कभी रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन मन में तो चलता ही रहता है। मन में तो चिंतन चलता रहता है, अरे देख लेते तो बहुत अच्छा। आंखों आंख हमने आंखों पे पट्टी बांध ली, नहीं देख रहे, लेकिन मन बोल रहा है अरे देख लो, देख ले तो अच्छा रहता है। तो मन में इच्छा है, इंद्रियों को हमने दबा के रखा है। ये एक विषय होती है, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है तब ये स्थिति आती है कि बाहरी रूप से प्रयास करता है इंद्रियों को नियंत्रण करने का लेकिन मन में इच्छा रहती है। लेकिन जब व्यक्ति उत्तम रस का अनुभव हो जाता है अगर किसी को, लेकिन अभी उसका मन मन में इच्छा खत्म हो गई, अभी उसको मन को कुछ हायर टेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे बताया ना कि रस वर्जम रसोपियश, जब उत्कृष्ट रस मिलता है, जब आपके सामने सूखी रोटी है और गुलाब जामुन है, तो हम 2 दिन की सूखी रोटी खाएंगे? नहीं, हमारा हमारी जिह्वा ये नहीं बोलेगी कि चलो ये 2 दिन की सूखी रोटी खाए, गुलाब जामुन है गुलाब जामुन खाएंगे। तो हायर टेस्ट, जब हमारे मन को एक हायर टेस्ट मिलेगा, एक उच्च आनंद मिलेगा, तो लोअर टेस्ट को हम आसानी से त्याग देते। जब कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव, तो वो हायर टेस्ट कैसे मिलेगा, उत्तम रस कैसे मिलेगा, अध्यात्मिकता के द्वारा मिलेगा, भक्ति के द्वारा मिलेगा। लेकिन विधि विधान से कभी कभी विधि विधान से हम क्या करते हैं, इंद्रिय भोग को संयमित करते हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा एक उच्च आनंद मिलता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया, किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, मान लो किसी को डायबिटीज है। अब डायबिटीज है, उस व्यक्ति को हम बोले कि आपको मीठा नहीं खाना है, तो डायबिटीज वाले को अगर डॉक्टर बोल देगा कि आपको मीठा नहीं खाना है, तो क्या डॉक्टर के बोलने से मीठे के प्रति उसका जो रुचि है वो तो चला जाता है क्या? तो उसको मीठा अच्छा नहीं लगता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, अभी भी उसको मीठा अच्छा लगता है। जब मीठा सामने आता है खाने की इच्छा होती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है और इसलिए वो इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा है, लेकिन उसके मन में तो बहुत मीठा खाने की इच्छा है। उसकी मीठे के प्रति उसकी रुचि समाप्त नहीं होती, लेकिन प्रतिबंध लगाया जाता है डॉक्टर के पास द्वारा। लेकिन इसी तरह का कोई अगर रोगी के अंदर पूरा अच्छा ज्ञान आ गया स्वयं से, तो वो फिर खुद क्या करता है, वो कर लेता है, खुद स्वयं से उसको त्याग देता है। जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सुंदर का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं। तो भक्ति का आनंद जिसे अगर मिल गया तो फिर भौतिक वस्तुओं में से कोई रुचि नहीं रहती। 60 नंबर श्लोक, यत तो ही अपि कौन्तेय या पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है, प्रबल है मतलब बहुत शक्तिशाली, और वेगवान मतलब उसका वेग बहुत तेज है।
तो विवेकी पुरुष जो मन को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, जब इंद्रियां अपने पे आती है तो उसके वेग के द्वारा वो व्यक्ति पराजित हो जाता है, वो वश में करने में विफल हो जाता है। यहाँ पे इसके उसमें विश्वामित्र का उदाहरण होगा। विश्वामित्र बहुत प्रयास किए और तपस्या कर रहे थे, इंद्रियों को उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। 60,000 साल तपस्या किया, 60,000 पल इंद्रिय और मन को नियंत्रण किया, लेकिन फिर भी मेनका जब आई तो उनके मन में इच्छा आ गई भोग की और उनकी सारी तपस्या व्यर्थ चली गई। तो इसीलिए पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परंतु साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पे एक श्लोक आया है, ये यमुनाचार्य का है। यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धान्य उद्यतम रन्तुम आसीत् तदवधिवत नारी संगमे स्पद्यमाने भवति मुख विकारः सुष्टु निष्टिवनम च। तो ये श्लोक लिखा है यमुनाचार्य। यमुनाचार्य एक आचार्य है, लेकिन आचार्य बनने से पहले ये यमुनाचार्य क्या थे? ये यमुनाचार्य एक राजा थे। तो ये यमुनाचार्य पहले राजा थे, राजा से के बाद वो भक्तों का संग करने के बाद फिर एक आचार्य बन गए, फिर उन्होंने राज्य पद सब कुछ छोड़ दिया। तो उन्होंने ये श्लोक लिखा जब वो आचार्य बन गए। तो ये श्लोक इनके उनको क्या बोल रहा है कि जब अब मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया है, जब मैं राजा था तब मेरा मन नहीं लगा था और अब भगवान के चरणों में मेरा मन लग गया है, तो इसीलिए मैं रोज नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ। मुझे रोज नया नया आनंद आता है और नया नया अनुभव नव नित्य नव दिव्य रस का आनंद लेता हूँ इस तरह भक्ति में। और अब बोला कि तब से स्त्री प्रसंग का विचार आती, क्योंकि वो राजा थे और राजा थे तो उन्होंने बहुत इंद्रिय भोग भी किया, बहुत सारी रानियां भी थी, इंद्र तृप्ति का कार्य करते रहते थे। तो बोले अब अगर मेरे अंदर वो विचार आता है जब मैं राजा था, इंद्रिय तृप्ति करता रहता था, तो वो विचार अगर मेरे मन में आता है उस तरह का, तो क्या बोलते हैं, मेरा मन उधर से फिर जाता है। अब मेरा मन पे में अगर वो विचार आ भी गया कि अब मेरा मन यहाँ भक्ति में लगाया, भगवान के चरणों में नया नया रस आस्वादन कर रहा है, लेकिन वो पुराने पुरानी यादें तो हैं, पुरानी यादों का विचार अगर आता भी है तो मेरा मन उस विचार से फिर जाता है। वो विचार आ गया तो ऐसा नहीं कि मैं उस विचार को ध्यान दूंगा, उस पर एंटरटेन करूंगा, मैं उस विचार को भगा देता हूँ, ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। मान तो विचार आ गया मन में तो मेमोरीज तो रहती है, याददाश्त रहती है, तो मन में विचार आ सकता है। मान लो विचार आया, उसने गेट खटखटाया, तो ये गेट खोलते ही उसको धुक्कार के भगा देते हैं विचार को, कि इस बार तो आ गया, आना ना इधर से, उसको वेलकम नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उनके घर में नित्य नव दिव्य रस का आस्वादन वो कर रहे हैं भक्ति का। इसीलिए ये इंद्र तृप्ति का विचार आता है, वो गेट से उसको भगा देते हैं, वापस चला जाओ, बोले आओ मत इधर, उसको उसको थू थू कर देते हैं उसके विचार के ऊपर। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने क्या क्या चर्चा किया? एक कछुए का उदाहरण था कि इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया कि इंद्रियां नियंत्रण कर लेंगे लेकिन मन में तो इच्छा रहेगी। फिर तीसरे श्लोक में बताया कि इंद्रियां नियंत्रण कर लिया लेकिन कोई इंद्रिय नियंत्रण का प्रयास कर रहा है, ऐसा अगर बहुत विद्वान मनुष्य है उसकी इंद्रियां भी उसको धोखा दे देती। तो फिर 61 नंबर श्लोक, ये श्लोक बताते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, फिर करना क्या चाहिए। तानि सर्वाणि संयम या युक्त आसीत मत पर वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए क्या करना चाहिए, इंद्रियों को क्या करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इंद्रियों को लगाना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम या युक्त आसीत मत पर, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। स्थिर बुद्धि कौन है? जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके उनको चेतना को मुझ में लगाए, मतलब इंद्रियों को द्वारा मेरी सेवा करे।
इंद्रियों को वश में कब हम कर पाएंगे? जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। तो यहाँ पे एक श्लोक आया है, 5-6 लाइन का श्लोक है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद, 4वें अध्याय का 18, 19, 20, 3 श्रीमद् भागवतम के श्लोक है। ये राजा अम्बरीश के उदाहरण। तो उन्होंने इस श्लोक का वो क्या करते थे, उसको प्रैक्टिकल उन्होंने अपनी लाइफ में ये श्लोक अपनाया। तो ये श्लोक क्या है, एक बार मैं इसको गाता हूँ। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्धृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलश्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। तो ये सारे श्लोक का अर्थ क्या है कि किस तरह अम्बरीश महाराज ने अपने इंद्रिय मन को नियंत्रण किया। तो मन को उन्होंने कैसे नियंत्रण किया, मन के द्वारा वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित कर दिया मन को। वाणी को कैसे नियंत्रण करा, भगवान के धाम की चर्चा करते थे, भगवान के ना भगवान के बारे में चर्चा करते थे। कानों को कैसे नियंत्रण करा, कानों से भगवान की लीला श्रवण करते थे हमेशा। हाथों को कैसे नियंत्रण करा, भगवान के मंदिर की सफाई करते थे। आंखों को कैसे नियंत्रण करा, भगवान का स्वरूप का दर्शन करते थे। शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, और जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, पांवों को भगवान के मंदिर जाने में यात्रा करने में, सिर को भगवान को नमस्कार करने में, और जितनी इच्छाएं हैं सबको भगवान की इच्छा में से मिला दिया, भगवान की सेवा की इच्छा बना दिया। इन गुणों के कारण में भगवान के मत पर भक्त बन गए। तो इस तरह हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, 62वां श्लोक और 63वां श्लोक, ये दो दो श्लोक में बताते हैं कि कैसे हमारा पतन होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो इंद्रिय विषयों से ध्याय तो ध्यान लगाते हैं, फिर ध्यान लगाने से चिंतन करने से उसमें आसक्ति होने लगती है, फिर काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एडवर्टाइज इंडस्ट्री इसी तरह काम करती है, बार बार आपको एडवर्टाइज दिखाते हैं, तो हम उसको बार बार जब उस पर चिंतन करते हैं, देखते हैं, तो फिर उससे आसक्ति होने लगती है, वो अपना सा लगता लगता है, फिर उसको काम उत्पन्न होता है, मतलब इच्छा उत्पन्न होती है, आसक्ति होती है, फिर काम उत्पन्न होता है, फिर काम अगर पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोध के बाद पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में गिर जाता है। इस तरह व्यक्ति का पतन होता है। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। फिर तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके व्यक्ति पूरी तरह गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गिरता नहीं है, राग द्वेष से मुक्त होता है, इंद्रियों को संयम द्वारा वश में कर लेता है, उसको भगवान की कृपा मिलती है। और प्रसादे, प्रसादे मतलब कृपा,
इस तरह भगवान की कृपा मिलती है, फिर उसका क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रश्यो पर जायते, प्रसन्न चेतुषु आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो भगवान की कृपा मिलती है, और इस तरह भगवान की कृपा से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ये संसार के तीनों ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदेविक, ये ताप उसको परेशान नहीं कर पाते। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर व्यक्ति बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, फिर उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, इंद्रिय मन नियंत्रण हुए, इस तरह बुद्धि भी स्थिर हो गई। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना न च भावेतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो इस पर बुद्धि ना दिव्य होती है, ना मन स्थिर होता है, और बिना शांति के कोई संभावना नहीं। इंद्राणाम ही चरतान जन्मनो अनु विधीयते सदस्य हरती प्रज्ञा वायुर्ना वमी वाम्बसी। तो 67 हो गया, 72 श्लोक अध्याय पूरा कर देते हैं। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर देती है। तो हमारे सारी इंद्रियां नियंत्रण होनी चाहिए। एक इंद्रिय, चार इंद्रियों को हमने नियंत्रण में कर लिया, एक इंद्रिय को खुला छोड़ दिया, तो एक इंद्रिय को खुला छोड़ने से फिर से वो बाकी इंद्रियों को भी अनियंत्रित कर देगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो माइंड के पास आ जाएगी। पांच हमारे ज्ञान, नॉलेज, एक्वायरिंग सेंसेस है, चार को रोक दिया, एक से जब नॉलेज आएगा वो माइंड के पास जाएगा, माइंड फिर बाकी चारों को अनियंत्रित कर देगा। इसीलिए सारी इंद्रियों को नियंत्रण करना है। सारे इंद्रियों को नियंत्रण करने का तरीका है, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, सब नियंत्रित हो जाएगी। तस्माद्यश्च महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से व्रत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निःसंदेह स्थिर है। तो जिसकी इंद्रियां विषयों से दूर हो गई और विषयों से सब प्रकार से विरत हो जाती है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का संयम, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि जो आत्मसंयमी व्यक्ति है, उसके जागने का समय है, बाकी लोगों के सोने का समय होता है। बहुत सारे लोग सोते हैं, 3 बज जाते हैं उनको सोते सोते, 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, तब तक बहुत लोगों के उठने का समय हो जाता है। तो इसके सोने का समय वो, उनका उठने का समय, तो वो जब सोते हैं जागता है, ये जागते हैं वो सोता है। सत्तर नंबर श्लोक। आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। तो ये पे बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि किस तरह एक समुद्र में निरंतर नदियां प्रवेश करती है। समुद्र में हमेशा नदियां प्रवेश करती है, तो नदियां किसके समान है, इच्छाओं के समान है। और नदियां समुद्र में प्रवेश करने के बाद भी समुद्र समुद्र परेशान, समुद्र उससे प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नदियां समुद्र में आ गई, समुद्र में बाढ़ आ गई। समुद्र से कितने ही पानी ले लो या समुद्र में कितना ही पानी डाल दो, समुद्र में कभी बाढ़ आने वाली नहीं है। तो समुद्र अथाह है, बहुत ग्रेव है उसके, इसकी उसके एक गुण को बोलते हैं ग्रेविटी। इसी तरह जो स्थिर व्यक्ति है, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है, आत्मतुष्ट व्यक्ति है, उसको इच्छाएं, जिस तरह समुद्र को नदियां परेशान नहीं कर सकती, इस तरह अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं, जिस तरह नदियां समुद्र में आती है,
इस तरह मन में इच्छाएं आती, तो मन में इच्छाएं जब आती हैं तो सामान्य व्यक्ति का मन जब इच्छाएं आती है तो प्रभावित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, इच्छा करने लगते हैं, हैंकरिंग, तृष्णा होने लगती है, तृष्णा हमें परेशान करती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के मन में इस तरह इच्छा आने से वो तुष्ट रहता है, परेशान नहीं होता है। निहाय कामान यह सर्वान् तोमाश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार प्रशांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। इस तरह जो इच्छाएं प्रवाहित नहीं करती, इच्छाओं को उसने त्याग दिया है। जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उनको त्यागना है, भगवान की सेवा की इच्छाओं को त्यागना नहीं। जो इस तरह भौतिक इच्छाओं से रहित रहता है, ममता नहीं है उसको, अहंकार से रहित है, वो वास्तव में शांति प्राप्त कर सकता है। और आखिरी श्लोक इस अध्याय का, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नृणाम प्राप्त विमोहयति स्थितशांत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के मतलब ऐसी स्थिति में, इस तरह स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति में, जो समुद्र वाली परेशानी है, जो आत्म तत्व वाली जो स्थिति है, समुद्र का जो स्थिति है, जो उदाहरण दिया, वैसी स्थिति में अगर कोई जीवन के अंत समय में भी अगर आ गया उसी स्थिति में, वो हम उस स्थिति में हमें आना हमारा लक्ष्य है। अभी तो हम नहीं है, लेकिन जीवन के अगर अंत में भी, अंत समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि उस स्थिति में आ जाए, प्रयास करते 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 अंत समय में भी अगर उस स्थिति में आ गए तो भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। इस तरह ये ग्रंथ का प्रकाश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, गीता का सार का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।